सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्य कपर्दक भस्म के बारे में। तो ये जो प्रोडक्ट है पतंजलि का प्रोडक्ट है, अगर आप चाहें तो उसको पतंजलि कपर्दक भस्म भी बोल सकते हो। तो ये जो कपर्दक भस्म है, आप चाहें तो उसको कपर्दक पाउडर भी बोल सकते हो। तो ये जो है बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, लेकिन इधर जो है मैं पतंजलि के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि वैद्यनाथ जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको बनाती हैं, तो इधर आपकी मर्जी है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। तो इसको लेना कहाँ से है, तो देखिए जो भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उधर से क्लिक करके आप जो है इसको ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। तो चलिए अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं, ये जो कपर्दक भस्म है तो इसको जो है वराटिका भस्म भी बोलते हैं और कोड़ी भस्म भी बोलते हैं। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोड़ी। तो जी कोड़ी जो है ये येल्लो वाली कोड़ी है, तो इसके अलावा वाइट वाली कोड़ी भी आती है और भी कलर में आती है। और इसके अलावा जो है कई कंपनियां जैसे कि एलोवेरा और कंजी भी इसमें मिलाती हैं। तो इधर मेन इंग्रेडिएंट है कोड़ी, और इसको जो है काउरी सेल भी बोलते हैं, और कई लोग इसकी माला बना के पहनते हैं, कई लोग सजावट के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन इधर इसकी दवाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस कपर्दक भस्म के बारे में। तो अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है या पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, और आप इसके पहले बहुत सारी मेडिसिन ले चुके हैं और आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो एक बार जो है आप इस कपर्दक भस्म को लेकर देख सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारी मेडिसिन खाई लेकिन उनको फायदा नहीं मिला, लेकिन जब कपर्दक भस्म लिया तो इसके अच्छे खासे उनको फायदे या अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले। तो इधर जो है इसके अलावा और भी फायदे हैं, जैसे कि अगर आपको दस्त लगते हैं या फिर आपको एसिडिटी होती है, कब्ज की शिकायत है और आपको गैस होता है, या आपके पेट में गोला बन जाता है, या फिर आपका पेट दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो। या फिर आपके पेट में अल्सर है, और इसके अलावा ये जो है डाइजेस्टिव जूस को बढ़ाता है। तो जो पेट में हमारे क्या होता है, एक जूस होता है डाइजेस्टिव जूस, जो कि खाने को पचाने का काम करता है, तो ये जूस को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि आपको जो खाना खाते हैं ना वो अच्छा खासा पच जाए। इसके अलावा ये भूख जिनको कम लगती है तो भूख बढ़ाने का काम भी करता है। और जैसे कि कई लोगों का देखा है कि पेट फूल जाता है और खाना खाने के बाद कई लोगों को जो है डकार आने लगती है, तो उस कंडीशन में जो है आप इसको ले सकते हो, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है उसमें भी आप इसको ले सकते हो, और ये डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर से जो है टॉक्सिन्स भी निकालता है। इसके अलावा अगर आपके कान में से पानी बहता है तो एक चुटकी जो है कपर्दक भस्म लीजिए, और उसमें थोड़ा सा नींबू या लेमन जूस जो होता है ना वो मिला लीजिए, और 2 से 4 ड्रॉप मतलब समस्या के अनुसार 2 से 4 ड्रॉप जो है अपने कान में डाल के रुई लगा लीजिए, और कम से कम 4 से 6 घंटे, आप चाहे तो 10 घंटे भी जो है रुई लगाकर रख सकते हो, तो आप देखिएगा कि आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा, और जो पानी बह रहा है वो भी काफ़ी हद तक जो है बंद हो जाएगा या पूरा ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा जो है आपको कुछ दिनों तक करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो, या फिर आप गठिया के मरीज हैं, आपको अर्थराइटिस है, उसमें भी ले सकते हैं, और ये जो है आपकी आंखों के लिए भी अच्छा होता है कपर्दक भस्म। इसके अलावा अगर आपको UTI है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, उसमें भी फायदा करता है, और अगर आपको कोई घाव है तो उसमें भी फायदा होता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, और इससे हमको कैल्शियम भी मिलता है, तो इधर हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी क्योंकि इसमें कैल्शियम अवेलेबल है। अब हम डोज के बारे में बात करते हैं। हमने अभी बात करा इसके कितने सारे फायदे हैं, तो इसको लेना कैसे होता है, तो 250 से 500 mg, तो इधर मैं mg बोल रहा हूँ ना कि ग्राम बोल रहा हूँ, तो 250 से 500 mg आपको एक बार में लेना होता है, और इसको जो है 24 घंटे में आप 2 बार तक ले सकते हो। तो इसको जो है देखिए डायरेक्ट नहीं लेना है, डायरेक्ट बहुत तेज होता है ये, तो इसको आपको मक्खन के साथ या फिर मलाई के साथ या फिर शहद के साथ लेना है या फिर गाय के घी के साथ, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको शहद के साथ नहीं लेना है। और ये जो है मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन लोगों के लिए जो है कपर्दक भस्म नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो देखिए इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार किसी किसी को जो है मैंने देखा है कि पेट वगैरह खराब हो जाता है या कुछ हेल्थ में इशू लगते हैं, तो आप इसको लेना बंद कर सकते हैं और डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हैं। तो देखिए हमको साइड इफेक्ट क्यों होता है जब हम कोई भी मेडिसिन है उसका ओवरडोज ले लेते हैं, तो देखिए इधर मैं बोलना चाहूँगा, इसको जो है पहले कपर्दक भस्म को जो है पहले एक बार लीजिए, और अगर आपको एक बार से फ़ायदा नहीं मिलता है तब जाके जो है आप 24 घंटे मतलब 2 बार तक ले सकते हो। तो इधर लो डोज से चालू करना होता है, और डोज हमेशा हमारी बीमारी के अनुसार होते हैं।
अब कोई दूसरी मेडिसिन अगर आप पहले से ले रहे हो तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं, तो देखिए बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अगर पेट से संबंधित कोई भी दवाई या कोई भी मेडिसिन अगर आप खा रहे हो तो उस कंडीशन में आप इसको नहीं ले सकते, और लेना भी है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी इसको लें। बाकी कोई भी मेडिसिन आपकी चल रही है तो उसके साथ बिल्कुल आप इसको ले सकते हो, बस टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा। कोई भी मेडिसिन आपने अभी खाई तो उसके जो है 4 घंटे बाद आप जो है इस कपर्दक भस्म को ले सकते हो। अब रिजल्ट कब तक मिलेगा, तो देखिए कम से कम 1 से 2 महीना आपको लेके देखना है, 1 से 2 महीने में आपको अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा, और अगर आपको 2 महीने में फायदा नहीं मिलता है तो आप इसको लेना बंद कर सकते हो। इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूंगा जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। अगर आप ये कपर्दक भस्म लेते हो तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग भी नहीं करना है, और फास्ट फूड जंक फूड ये सब नहीं खाना है, और बाहर होटल का खाना भी नहीं खाना है, और हो सके तो फाइबर वाला खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो फ्रूट्स और जूस जो है नहीं लीजिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को जो है फ्रूट्स और जूस को जो है मना किया जाता है लेने से। अब इधर आप एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कम से कम वॉकिंग करिए, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, तो आपको देखिएगा अच्छा खासा फायदा मिलेगा इस कपर्दक भस्म का, और जो मैंने एडवाइस दी है वैसे भी ये जो है आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन अभी कोई डाउट है इस मेडिसिन को लेकर तो आप जो है कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।